हेलो एवरीवन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल शिक्षक भर्ती परमानेंट पोस्ट पीजीटी में 2266 पदों पर जो वैकेंसी आई है, तो विषयवार पदों की संख्या हम देखेंगे। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। पिछले वीडियो में टीजीटी की कितनी पोस्ट हैं, आयु, योग्यता, वेतन, चयन प्रक्रिया, सारी चीज़ें जो है डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाई है। और इस वीडियो में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए यहाँ पर जो है प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो 303 है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इसकी जो है वो 2266 जो है वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा जो है वो अकाउंटेंट की वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। तो कुल जो है यहाँ पर 4062 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो पीजीटी के बारे में जो है डिटेल में हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, जिससे कि आप लोग आराम से अप्लाई कर सकें। इंग्लिश के यहाँ पर 246 जो है वो पद हैं, हिंदी के 200 पद हैं, मैथ्स के जो है 244 हैं, केमिस्ट्री के 169 हैं, फिजिक्स में जो वैकेंसी आई है 179, बायोलॉजी में 236 हैं, हिस्ट्री में 185 हैं, ज्योग्राफी में 154 वैकेंसी आई है, कॉमर्स में 140 हैं, इकोनॉमिक्स में जो है आप देख सकते हैं 161 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 172 हैं। तो कुल जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो वैकेंसी है 2086 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी की 866 है, ईडब्ल्यूएस की 204 है, ओबीसी की 557 है, एससी की 308 है, एसटी की 151 है। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर वर्गवार जो है पोस्ट बटी हुई है। अब जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में थर्ड जो लैंग्वेज है भाषा, जिसमें संस्कृत आप देख सकते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में भी संस्कृत की वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में भी संस्कृत के कुल 97 पदों पर वैकेंसी है। इसके अलावा मराठी, उड़िया, तेलुगु, बंगाली और संथाली में भी वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, जिसमें आप देख सकते हैं पदों की संख्या। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि पे स्केल जो है वो क्या रहने वाला है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जितने भी सब्जेक्ट हमने देखे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज जिसमें हमने संस्कृत देखी, कंप्यूटर साइंस, तो इसमें सैलरी जो है वो लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलेगी और आप देख सकते हैं सैलरी आप लोगों की होगी 47,600 बेसिक पे और 1,51,100। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फॉर्म जो है वो बिल्कुल दोबारा से जो है वो फॉर्म फिलअप का जो ऑप्शन आया है उसके बाद जो है करेक्शन विंडो ओपन होगी। अगर किसी के में कोई भी मिस्टेक पहले हुई है तो वो भी बिल्कुल सही कर पाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं फॉर्म फिल कर पाए हैं अभी तक तो बिल्कुल फॉर्म फिल कर दें। 19 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट रखी गई है, तो ज्यादा दिन नहीं है, 3-4 दिन में ही आप लोगों का ये काम जो है ये प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल हो जाएगी। उसके बाद जो है ओएमआर बेस्ड यानी पेन पेपर मोड जो है वो आप लोगों का एग्जाम होगा और सिलेबस के बारे में जो है वो चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या है तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर जो है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो है वो 50 साल है और यहाँ मास्टर डिग्री, बीएड, 12 साल का जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। पीजीटी के लिए जो उम्र है वो 40 साल है। ठीक है, यानी 40 साल तक के कैंडिडेट जो है यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियमों के अकॉर्डिंग एससी, एसटी, ओबीसी, अदर कैटेगरी को मिलेगा ही। यहाँ पर जो है पोस्ट यानी मास्टर डिग्री अगर आपने इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स के साथ जो है अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, एम कॉम, अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट जो है इकोनॉमिक्स में किया है, लास्ट जो है पीजीटी रीजनल लैंग्वेज, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट्स में किया है, साथ में आपके पास जो है डिग्री है बीएड की, तो आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं मांगा गया है, 40 साल उम्र रखी गई है, एज रिलैक्सेशन बिल्कुल सभी को जो है मिल रहा है। एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में
आपने किया है, या एमई या एमटेक आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अकाउंटेंट के लिए 30 साल उम्र है, डिग्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स में जो है डिग्री आपकी होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 12th मांगा गया है, और साथ में जो है टाइपिंग स्पीड आपकी कंप्यूटर पर मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। लैब अटेंडेंट के लिए जो है यहाँ पर केवल 10th पास, ठीक है, आपके पास जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, या फिर आपने 12th साइंस के साथ भी किया है तो यहाँ पर आपका जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, केवल 12th पास साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। यहाँ पर लैब अटेंडेंट के लिए केवल 30 साल है, और जिनका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो वो लैब अटेंडेंट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो एज जो है वो आपको मैंने बता दी है, बाकी जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट है, वोमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी की हो 10 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी को जो है यहाँ पर एससी एसटी के अगर है तो 15 की, ओबीसी को 13 साल की, जनरल कैटेगरी 10 साल की, ठीक है। वोमेन के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एज जो है वो बिल्कुल यहाँ पर 10 साल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो तो उसके लिए 10 साल, यानी 50 साल तक की जो है यहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल समझा दी है। अभी जो है यहाँ पर जो फीस आपकी लगने वाली है, यानी फॉर्म की जो फीस लगेगी, तो यहाँ पर फीस सबसे ऊपर आप देखें प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपये है, पीजीटी के लिए यहाँ पर 1,500 है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,000 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है, ठीक है। और बाद में जो है एग्जाम की जो डेट है सेंटर है ये आपका बाद में डिसाइड होगा, और मेन वेबसाइट पर आ जाएगा, तो जैसे ही आता है कि आप लोगों का जो है एग्जाम की डेट कब है तो वो बिल्कुल आप लोगों को बताई जाएगी। तो आप लोगों का यहाँ पर जो है एग्जाम होगा, पेन पेपर मोड आपका एग्जाम रहेगा, तो बिल्कुल तैयारी आप करें, आपका सब्जेक्ट है क्योंकि काफी अच्छी वैकेंसी है, और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल नए खोले गए हैं, यहाँ पर अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।